हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं वीडियो देने वाला था आज मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य डायनेस्टी के बारे में आज जो है चर्चा करने वाला था, लेकिन आज मौर्य डायनेस्टी देने के पहले मैं ये सोचा कि अगर सिकंदर महान के बारे में जानकारी दे दी जाए तो एक सीक्वेंस या एक क्रम बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं मौर्य डायनेस्टी के पहले सिकंदर के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो मेरा मौर्य साम्राज्य का आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं सिकंदर महान से संबंधित जो कुछ भी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यद्यपि कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इतने क्वेश्चन इससे नहीं बनाए जाते हैं कि इस पे एक वीडियो दिया जाए, लेकिन मैं इसे आपकी समझ के लिए या आपको कभी भी सिकंदर से संबंधित कोई भी चर्चा हो तो उस पे अधूरापन हो ऐसा नहीं चाह रहा था, इसीलिए जो है ये वीडियो में देना उचित समझा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम लोग सिकंदर महान के बारे में जानकारी लेने। तो सिकंदर महान के जानकारी लेने में ये एक चीज महत्वपूर्ण है कि यहीं से यूनानी आक्रमण की शुरुआत होती है, यानी कि यूनानी आक्रमणकारी में सिकंदर जो है प्रथम स्थान रखता है। यद्यपि कि सिकंदर महान के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कही भी जाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स सिकंदर से संबंधित वही चीजें दूंगा जो उचित और कम समय में दिया जा सके। तो आइए चलते हैं सिकंदर के बारे में कुछ जानकारी लेने। तो यूनानी आक्रमणकारी के अंतर्गत यह सिकंदर का नाम आता है और इसका जो है कुछ बातें हैं, जैसे कि ये मकदूनिया यानी मेसिडोनिया यूरोप का ग्रीक प्रशासक था, ग्रीक ये प्रशासक था। सिकंदर के बारे में जानकारी अगर दिया जाए तो ये पहले सिकंदर एक प्रशासक की भूमिका बड़ी अच्छी से निभा रहा था। यद्यपि इनके पिता जो हैं उस समय प्रशासक न होकर वो शासक हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आगे। तो मकदूनिया या मेसिडोनिया का यूरोप का ये ग्रीक प्रशासक था और वो अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मेसिडोनियन नाम से भी जाना जाता था। यानी कि सिकंदर के बारे में पहली और इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसे अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मेसिडोनियन के नाम से भी जाना जाता है, इसका ये भी नाम था। आइए इसकी जन्म के बारे में कुछ डिटेल्स ले लेते हैं कि सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जन्म का जो स्थान था पेला, जन्म का स्थान पेला था और इसके घोड़े का नाम जो तीसरी पॉइंट है, घोड़े का नाम ब्यूफल का या फिर बुसेफेल्स, यानी कि सिकंदर के जो घोड़ा था उसका नाम ब्यूफल का। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन बना चुका है कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूफल का या फिर बुसेफेल्स था। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, फिलिप द्वितीय इनके पिता का नाम था और माता ओलंपिया थी, इनकी माता जो है ओलंपिया थी और पत्नी रोक्जाना थी, पत्नी इनकी सिकंदर की पत्नी का नाम रोक्जाना था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये है इनके जन्म से संबंधित छोटी सी जानकारी या इनके परिवार से संबंधित या इनसे संबंधित छोटी सी जानकारी थी जो मैं दिया। अच्छा, इनकी जो है इन ये जो गद्दी पे बैठे थे ये 20 वर्ष की अवस्था में ही ये सिंहासन इनको प्राप्त हो चुका था, यानी समझ सकते हैं कि 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर राजगद्दी को प्राप्त किया, कितना ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए ये सिकंदर के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी, आइए कुछ और नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात ये कि सिकंदर को सिकंदर महान बनाने में
एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की भूमिका थी, जिसे अरिस्टोटल, अरिस्टोटल यानी इंडिया में इसे अरस्तु के नाम से जाना जाता है। अरिस्टोटल सिकंदर के गुरु थे और इन्होंने इनको कई शिक्षाओं से इनको कई तरह की शिक्षाएं दिए थे, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक और साथ साथ में प्रशासनिक शिक्षाओं को भी शामिल था। और सिकंदर की जो अपनी सोच, विश्व विजेता की सोच, जो भी उसके मन में आया था, वो जो है उसके गुरु अरस्तु के द्वारा, यानी कि जब भी सिकंदर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिकंदर अपने गुरु को इतना सम्मान देता था या इतना विश्वास करता था, या गुरु को, जो गुरु की वाकई में एक जो गरिमा और पद की पद होता है, उसको इतना तवज्जो देता था कि जब भी वो कहीं बाहर युद्ध पे निकलता था तो अपने शासन काल की जो शासन की जो है बागडोर अरस्तु को सौंप के जाता था। यानी कि जब भी सिकंदर युद्ध को निकलता था तो अरस्तु को शासन का कार्य देखना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, ये है अरस्तु की अपनी खुद का एक भूमिका जो सिकंदर को गुरु के रूप में निभाई। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसने मिस्र, इराक और ईरान, ये तीनों को जीत रखा था। मिस्र, ईरान और इराक तीनों को जीता हुआ था। यद्यपि कि ये आप जानते हैं कि उधर के जो ग्रीक राजवंश थे, ग्रीक जो साम्राज्य था, उन सबको जो सिकंदर अपने कब्जे में किया था, जीता था। लेकिन अब आगे देखिए, मिस्र, इराक और ईरान तीनों को जीता हुआ था। 327 ईसा पूर्व में ये भारत पहुंचा था, 327 ईसा पूर्व में ये भारत में पहुंचा। और सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, आप समझ सकते हैं पंजाब, ये इस सभी नदियों के को तक पहुंच चुका था। यानी कि जो भारत पे विजय की बात की जाती है, इन इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वो क्या क्या किया हुआ था। आगे देखिए फ्रेंड, कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास है, इन नदियों का कुछ एक छोटी सी पॉइंट है, इसको देखिए कि ये है आपका, ये सिंध नदी और झेलम नदी, सिंध नदी और झेलम नदी जो बहती हैं, इसके बीच में गांधार एक साम्राज्य था जिसका आम्बी शासक था, आम्बी शासक शासन करता था, जिसको सिकंदर ने आत्मसमर्पण करवाया था। आत्मसमर्पण के माध्यम से आम्बी को वो उस पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट जो है ये झेलम और चिनाब, ये दो नदियों के बीच में एक साम्राज्य था, पोरस और पुरु या पोरस नाम जानते हैं। पोरस की कहानी सिकंदर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यद्यपि तक्षशिला को जाकर सिकंदर जब वापस आता है तो ये पोरस से इसका जो है युद्ध होता है। कहा जाता है कि पोरस के युद्ध में जो हुआ था, जो पोरस का युद्ध, इस युद्ध में वहां का शासक पोरस था, इस युद्ध में कंडीशन ये हो गया था कि सिकंदर जो है किसी मतलब बड़ी शक्ति लगाने के बाद ही जो है इस पे विजय प्राप्त किया था। और ये था, ये 326 BC में ये जो है पुरु या पोरस पे विजय प्राप्त किया था। और इसके संदर्भ में कहा जाता है कि पोरस जो है, पोरस को जब वो पराजित किया और पोरस को उसके सामने लाया गया तो उससे पूछा कि आप बताइए कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उसने बोला था कि एक शासक के साथ, एक शासक जैसे करता है वैसे व्यवहार किए करें। तो इस जवाब से सिकंदर और भी प्रभावित हुआ और वो समझ लिया कि ये जो है शासक गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस शासक को मित्र बनाने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो है इसके साथ व्यवहारिक और मित्रता का संबंध बनाए रखा, बाद में वैवाहिक संबंध भी बने, वो अलग है। तो ये 326 ईसा पूर्व में पोरस जो है, पोरस का युद्ध होता है और ये इस पे पोरस पे भी विजय प्राप्त करता। उसके बाद ये झेलम और चिनाव के बीच में ये जो है पोरस का अपना साम्राज्य था। आगे जो है ये भद्र एक साम्राज्य था, भद्र, उसमें वो चिनाब और रावी के बीच में ये था साम्राज्य। और नेक्स्ट जो है
पुरु की सहायता से जो रावी और ब्यास नदी के बीच में जो कठ जनजाति थी, ये कठ जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, कठ जनजाति काफी वो शक्तिशाली भी थी। तो ये कठ जनजाति को पुरु की सहायता से यानी पोरस की सहायता से ही कठ जनजाति को वो जो है विजय प्राप्त कर पाया था सिकंदर, यानी कठ बहुत ही लड़ाकू थे। आगे फ्रेंड्स उसके बाद यद्यो ये जो है एक जनपद है, उसके बाद यद्यो जनपद आता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है कि सारे यूनानी आक्रमण का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसका जो है देखा जाए तो किसी भी यूनानी जो है आक्रमणकारी यहाँ पे यूनान के जो भी इंडिया पे आक्रमण किए हैं उनका कोई साक्ष्य नहीं है। हाँ साक्ष्य वही है जो यूनानियों द्वारा लिखित दी गई है या उनके द्वारा जो लिखा गया है लेख उसी से मिलता है। अब उसकी सच्चाई या रियलिटी क्या है वो तो अलग बात है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना मत देते हैं इनको। लेकिन दोस्तों ये जो है बहुत ही एक अलग बात है कि हम लोग को सिकंदर के या यूनानी साम्राज्यों के या यूनान से आए हुए आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी हम लोगों को नहीं साक्ष्यों के माध्यम से मिल पाती है, परंतु जो भी है जो भी लेखों के माध्यम से मिलती है वो यही जान वही यही इतिहास है इसका। आगे फ्रेंड्स झेलम के रास्ते ये एक पटला बंदरगाह है, पटला बंदरगाह पर पहुंचता है तथा रास्ते में मालवा और छुद्दट दो ये जो है गणराज्य हैं इन पर भी जो है आक्रमण किया था मालवा और छुद्दट पे। तो ये फ्रेंड्स जो है ये पटला बंदरगाह के पर पहुंचकर ये ऐसा कर विजय प्राप्त करता है इनके ऊपर मालवा और छुद्दट पे। और 323 बीसी में कहा जाता है कि 33 वर्ष की अवस्था में 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम उम्र में शासक बना, 20 वर्ष की उम्र में शासक बना और राजगद्दी बैठा और 323 यानी 33 वर्ष की अवस्था में ही जो है ये मृत्यु को प्राप्त करता है यानी ये संसार छोड़ के जाता है। तो फ्रेंड्स जो है जो भी इस पे कुछ जानकारियां दिया हूं उस पे फिर से एक बार रिविजन कर दे रहा हूं कि ये मकदोनिया या मेसिडोनिया या यूरोप का एक ग्रीक प्रशासक था। उसके बाद वो अलेक्जेंडर के भी नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से भी जाना जाता है और अलेक्जेंडर मेसिडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। दो नाम इसके ये हैं। और इसका जो है जन्म जो हुआ था 20 जुलाई 356 बीसी में हुआ था, पेला नामक स्थान पे हुआ था। इसके जो घोड़े का नाम था बेउफल का और साथ में बुसेफेल्स भी कहा जाता है। इनके पिता फिलिप द्वितीय थे, ओलंपिया इनकी माँ थी, रुक्जाना इनकी पत्नी तथा बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स ये रहा 20 वर्ष की अवस्था में इनको राजगद्दी प्राप्त हुई। सिंधु झेलम चिनाब रावी और ब्यास ये जितनी नदियां थी इस पे जितनी डायनेस्टिक थे जैसे गांधार आम्बी ये सिंधु और झेलम पे के बीच में था, इस पे भी विजय प्राप्त किया था, आत्मसमर्पण करवाया था। उसके बाद झेलम और चिनाब के बीच में पोरस या पुरु जो काफी इतिहास में महत्वपूर्ण ये भूमिका या महत्वपूर्ण ये इसका नाम है जो 326 ईसा पूर्व में इसे पराजित किया था। और फिर चिनाब और रावी के बीच में ये भद्र डायनेस्टी का प्रशासन था, शासन था, साम्राज्य था, इस पे जो है इसने विजय प्राप्त किया। फिर पुरु की सहायता से ही कठ जनजाति थी, इन कठ जनजातियों को रावी और ब्यास के बीच में था ये कठ जनजाति, इन पे भी विजय प्राप्त किया था यद्यपि बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था। और फिर ये यद्यो जनपद था उस पे भी विजय प्राप्त किया। फ्रेंड्स आगे जो है बताया मैं कि इनके गुरु का नाम जो है अरस्तु है और अरस्तु जो है अरस्तु के साथ जो भी नीतियां थी, अरस्तु के जो भी शिक्षा थे उन शिक्षा के माध्यम से या उसकी शिक्षाओं का पालन करते हुए सिकंदर जो है काफी आगे बढ़ा और सिकंदर महान बना। उसके बाद मिस्र इराक और ईरान इन तीनों को भी विजय प्राप्त कर रखा था। नेक्स्ट है सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास जो मैं आपको विवरण दे चुका उस पे भी उन नदियों तक पहुंचा था ये।
आगे जो है सारे यूनानी आक्रमण का बताया ही कि कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनानियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें या लेखों के माध्यम से जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट जो है झेलम के रास्ते जो है पटला बंदरगाह पर पहुंचता है, और रास्ते में मालवा और क्षुद्रक ये दो शासक थे जो उन शासकों पर यानी गणराज्य पे ये विजय प्राप्त करता है, और 323 बेबीलोन में 33 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड ये छोटी सी सिकंदर के बारे में जानकारी थी, और इस जानकारी को मैं सिर्फ क्रम को बनाए रखने के लिए ये जानकारी दिया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको कहीं से प्रभावित किया हो तो मैं यही चाहूंगा कि इसे जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा बेल आइकन की घंटी पे प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।